ये कौन है छोटे मियाँ? खजूर? खबरदार तू मुझे खजूर बोला तो छुआरे जैसा मुंह आपका है। फिर उसके लिए मुझे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। मेरा नाम मेरे शक्ल के हिसाब से रखो। तो बेटे काली मिर्ची अच्छा थोड़ी लगना था। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलोगे, एक बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे, ये दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। पूरे क्लास में मैं अलग दिखता हूँ। हाँ बेटे, बेंच पे खड़ा बच्चा अलग ही नजर आता है। बाजी दुनिया में मैं पहला इंसान ऐसा हूँ जिसने घर में बेटा नहीं बाप पैदा किया है। ठीक है ठीक है, एक चाय पिलाओ और दो बोले चाय दे दो, अब पैसे मेरे खाते में लिख लेना। तू अपने बाप को पैसे देगा? हाँ हाँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। कल को मैं बराबर नहीं बन गया, आप तो मेरे घर में आके बैठ जाओगे। ओए शर्म कर, शर्म, मैं तेरा बाप हूँ। तो मैं कौन सा आपको मम्मी जी बुला रहा हूँ? पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया है। बासी मठिया खिलाऊंगी आपने, अगर काजू बादाम खा के पैदा किया होता तो मैं ऐसे थोड़ी होती। बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। हाँ वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सारा होमवर्क गलत कर दिया। ताजमहल आगरा की जगह दिल्ली में क्यों लिख दिया? तुझे पता मेरे बाप ने मेरे को मद्रास बताया था। शुक्र करो मैं दिल्ली तक ले आया हूँ, जब तुम्हारा टाइम आएगा आगरा तक ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगा, पर अभी मेरी टीचर कंप्लेन करने आ रही है, उसका क्या? मेरे लाल क्यों टेंशन ले रहे हो, जब वो आएगी मैं देख लूंगा ना उसे। आप तो देख लेंगे, पर टीचर ने आपको देख लिया तो स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसने खबरदार खुद को मेरा बाप बोला तो। कप्पू अंकल आप मेरे बाप बन जाओ ना। चल चल, मैं तेरा बाप क्यों बनूं, मेरे को क्या मिलेगा? काम जो मैं बोलूं, दाम 10 रुपए। चल ठीक है, मैं तेरा बाप। यस यस, आई हैव टेल हर कि हाँ, शी हैज दो डॉटर्स एंड बोथ आर गर्ल्स। यस, हेलो मैडम, लॉन्ग टाइम। शट अप, गो देयर, स्टैंड अप एंड हैंड अप। नहीं नहीं मैडम, ये चाय वाला है। पापा तो है, मेरे पापा तो आपके पीछे हैंसम से, देखो। हेलो, नीचे कितने चढ़ गया ऊपर। तो आप हैं इसके पापा? जी। ये चाय वाले मैडम के लिए चाय लेकर। नहीं नहीं मुझे चाय नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे चाय भी पीने नहीं आई हूँ। अच्छा, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ एंड हाँ, प्लीज एड सम स्नो इन इट। सेम टू यू। यस, आइए। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। देखिए बात यह है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बनने वाला है, सब कुछ नहीं आता है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इसे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम, मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना, ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है। नहीं, वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। आप जो इसे बार बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है, आप इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है? कभी कभी सर भी फट जाता है, ध्यान से थोड़ा सा। लेकिन जी आपको पता है, इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ, इसीलिए चाय बेच रहे हो। मैडम, आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म करना था। डैडी मुझसे बहुत सवाल पूछती है, पर मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं देती। मैंने उस दिन पूछा, मैडम मैं आपका टिफिन खा लूं,
तो कोई जवाब ही नहीं दिया। Hands up! वो फ्लो फ्लो में नीचे आ गया था। फ्लो फ्लो में नीचे आ गया था। Listen, थोड़ा साइड पे हो खिड़की से, let the air force come in. देखिए, आपको बताऊँ मैं, इतना बदतमीज है ये। उस दिन टॉयलेट में मैं गई थी, टॉयलेट में मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था, बताइए। आप बच्चों के टॉयलेट में क्या करने गई थी? इससे पूछिए मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा था। ओ खजूर, ओ तू इतना बिगड़ गया है, शाम को घर आ, फिर तुझे बताता हूँ मैं। ये आपका बच्चा चाय वाले के घर क्यों जाएगा? ट्यूशन पढ़ने जाता है जी। ये ट्यूशन पढ़ेगा नालायक एक नंबर का। हाँ तो वो जो पढ़ाता है वो भी तो नालायक है, वो कौन सा पीएचडी करके बैठा है। देखिए मैडम, क्या होता है ना कि आना जाना तो लगा रहता है, बच्चा जाता है तो जाता है। आप मेरे घर में आई, सिद्धू जी हमारे मोहल्ले में आते जाते रहते, इट्स जस्ट गिव एंड टेक। ठीक है, आप जो बोल रहे समझ में नहीं आ रही है, माय गोइंग ऑन। वैसे मेरी बात सुनिए, आपको बताए थोड़ा सा सुधारिए आप इसको। मतलब परसों मैंने इसे फॉर्म भरने के लिए दिया, माँ का नाम आया, इसको याद ही नहीं आ रहा। क्या जस्ट आप ही बता दीजिए कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। बोल बे चंदू, वाइफ का नाम क्या है? आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना, हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी। थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है। बताओ भी क्या नाम है? ठंडाई देवी। ये क्या नाम हुआ, ठंडाई देवी? हाँ वो एक्चुअली ना क्या, बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डालकर करके तो ठंडाई बनाती रहती थी, मोहल्ले वालों ने ठंडाई देवी कर दिया। ठीक है अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये। आप जो बोल रहे, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ। ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी। जी जी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी। नहीं नहीं, आप समझ नहीं, देखिए जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर के उधर क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी। तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना। वैसे एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है? उसी का दूध पी के बड़ा हुआ ना जी, उसकी दुकान पे बैठा रहता है। क्या ये? बैठे बैठे टाइम पास करो, चलो मैच खेलते हैं। अबे बदतमीज, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ मेहमान आए हुए? मेहमान? ओए होए 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 होए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपू भाई एक बात है, जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना, मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजय सर एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछू? पूछना। 50 रुपए दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 रुपए देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला, दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा, उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की, छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो कह रहा स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आएंगी तो मेरी रिपुटेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा देख, ऐसी मम्मियां जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती है। अच्छा आप बहुत ही क्यूट हो, आपके लिए कुछ भी। ठीक है चलो, एक चांस पे लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या डैडी? आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट।
डैडी क्यों क्यों बुला रहा है? अरे यार वो ना गरीब आदमी है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ये जाएगा ना पापा तेरे साथ इस मम्मी के साथ, तो मैं तेरे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ फिर। चल लेके आप अपनी मम्मी को। आइए। May I come in, sir? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। वो आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको। ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में। मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ओ, तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्मी डार्लिंग, चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लेके जाओ, मम्मी को इधर छोड़ जाओ। यार आ जाओ, बेइज्जती जरूर करवानी होती। चलो ओए, चल चलो, किधर जाना है? ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते भाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यार बेइज्जती करवा दी। ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गाँव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर तू इधर है? तुम मैं किसको अंदर मन करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़े बड़ा खजूर होती। नानी ये क्या, खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई? आपको शर्म नहीं आती? बम्पर तुझे शर्म नहीं आती? खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई? सरू चोट के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी? आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है, कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अरे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए, अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी, गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़, एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है जा तू भाई, लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो व्हाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है, अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाया इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेख। पापा का नाम? पपाया शेख। दादा का नाम बनाना शेख। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेख। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेख। आगे बात हट। शेख अंकल आपके पास तो ऊंट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुआ ले जाकर मुझे ऊंट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊंट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊंट नीच हो जाए तो। वैसे अभी काम कीजिए, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं दुबई? क्या है कि मुझे तो आपके वहाँ का डांस भी आता है। वो क्या करते हैं, वो बेली डांस? अरे वो तो मेरे डैडी को आपसे भी अच्छा आता है। अच्छा ए, चुप 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 कर। आपको वो भी नहीं आता? इतने निकम्मे पापा हो आप, उसको नहीं ले जाओ। आता आता क्यों नहीं है? तो मैं रोज सिखाता हूँ, मैं आता है मुझे। पहले डांस आता है? पहले डांस आता है तो करके दिखाओ फिर। हाँ हाँ देख लेते हैं कौन अच्छा करता है। शुरू हो जाओ। हाँ जी म्यूजिक बजा भी।
पहले किसको गोली मारूं? इतना गंदा डांस करती, भैंस पागल हो गई, नाचती क्या करती तुम? ये बैले डांस करती और तुम क्या ये करती? लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा ही डांस होती? हमारे इधर ऐसा डांस नहीं होती। ऐसा होती? हमारे ऐसा होती ना 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 रे ना। हमारे इधर ऐसा डांस होती। शेख साहब आपका दुबई दुबई में पड़ता है ना? हमारा दुबई दुबई में पड़ता है, हमारा अबू धाबी भी दुबई में पड़ता है, हमारा ओमान मस्कट भी दुबई में पड़ता है, हमारा कानपुर भी दुबई में पड़ता है। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने, मेरे बुर्ज खलीफा देखा मैंने, बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा? नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब? वो पानी चूस लेता है। ये जोक तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में आए क्यों बच्चे? कितना समझदार बच्चा, ये बहुत आगे जाएगा, ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे इधर आओ, चलो इधर जाओ, बाहर चलो 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 बाहर निकल जाओ।